अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में डे बुक क्या है तथा डे बुक और उसके अन्य ऑप्शंस कैसे उपयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैनुअल अकाउंटिंग में हम सबसे पहले जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्रमशः लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आखिर में बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि टैली में हमें सिर्फ लेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स बनाकर वाउचर्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होते हैं और बाकी ये सभी काम टैली स्वयं ही हमें करके दे देता है। यहाँ रिपोर्ट्स के अंतर्गत इनमें से आप कुछ को देख सकते हैं। इनके साथ ही टैली हमें व्यवसाय या व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य कई रिपोर्ट्स भी प्रदान करता है, जिन्हें हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की सहायता से देख सकते हैं। इन्हीं रिपोर्ट में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है डे बुक, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिपोर्ट से आशय होता है किसी विवरण से। हमने आपको बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो एंट्रीज जर्नल में की जाती है, टैली ने उसे सरल बनाते हुए एंट्रीज करने यानी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के हमें जर्नल के स्थान पर 8 अलग अलग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स दिए हैं। हम इन सभी पर काम करना सीख चुके हैं। अब हमने इन वाउचर्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए टैली ने हमें डे बुक नाम से एक रिपोर्ट ऑप्शन दिया है। इसमें हम डे टू डे जो एंट्रीज करते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ये ऑप्शन हमें 3 जगहों पर मिलता है। पहला, ट्रांजेक्शंस हेडिंग के अंतर्गत। वास्तव में तो ये एक रिपोर्ट है, पर ट्रांजेक्शन से संबंधित होने से टैली ने इसे ट्रांजेक्शंस के अंतर्गत भी दिया है। दूसरा, रिपोर्ट्स हेडिंग के अंतर्गत आने वाले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। देखिए, यहां भी डे बुक है। तीसरा, यदि आप टैली में कुछ भी काम कर रहे हैं और उसी के बीच आपको डे बुक देखना है तो आप गोटो की सहायता से भी देख सकते हैं। देखिए, यहां भी डे बुक दिखाई पड़ रहा है। डे बुक के महत्व को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई बड़ा व्यापार है जिसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, जो दिन भर में टैली में अलग अलग वाउचर्स में कई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हम इन सभी ट्रांजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक एक करके सभी वाउचर्स खोलकर देखना समझना होगा, जिसमें कि बहुत समय लग जाएगा। इसका सरल तरीका ये है कि हम डे बुक के माध्यम से इन्हें देखें। हम जिस तारीख या पीरियड के ट्रांजेक्शंस देखना चाहते हैं उस तारीख या पीरियड की डे बुक ओपन कर लें। वहां हमें सभी ट्रांजेक्शंस एक साथ मिल जाएंगे और यदि आप उन्हें भी फिल्टर करके देखना चाहें तो डे बुक में उसके लिए भी अनेक ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर हमारी एक बात ध्यान रखें, यदि आप सफल बिजनेसमैन या सफल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो और इसके बाद वाली डे बुक की 2 वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ध्यान से देखें और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से प्रैक्टिस जरूर करें। डे बुक देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर इसकी शॉर्टकट की के प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, डे बुक ओपन हो गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि हम आखिरी ट्रांजेक्शन जिस तारीख में रिकॉर्ड करते हैं बाय डिफॉल्ट उसी तारीख की डे बुक ओपन होती है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि गेटवे ऑफ टैली पर करंट डेट में जो भी डेट होगी, यहाँ डे बुक में उसी तारीख के ट्रांजेक्शंस दिखाई देंगे। यदि आप किसी निश्चित तारीख के सभी वाउचर्स देखना चाहते हैं तो F2 की प्रेस करें। अब तारीख टाइप करें, हम यहाँ पर 31 जुलाई ले रहे हैं। ये देखिए, हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई तारीख के सभी वाउचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप किसी निश्चित अवधि के सभी वाउचर्स देखना चाहते हैं तो अल्टर के साथ F2 की प्रेस करें। अब आप जिस पीरियड के वाउचर्स देखना चाहते हैं वो पीरियड सिलेक्ट करें। हम 1 मई से 1 जुलाई का पीरियड ले रहे हैं। ये देखिए, हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए पीरियड के सभी वाउचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप वर्ष के आरंभ होने यानी
1 अप्रैल से जिस आखिरी तारीख तक आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो सभी वाउचर्स देखना चाहते हैं तो ऑल्टर और F2 की को प्रेस करें, यहाँ फ्रॉम में स्पेस बार प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। ये देखिए डेट चली गई है, और इसी तरह 2 में भी स्पेस बार प्रेस करके एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही हमने अपनी कंपनी में जितने भी वाउचर्स बनाए हैं वो सभी दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ऊपर वो तारीख या पीरियड सही हो ऐसा चेक कर लें। यहाँ पर डे बुक में आप जो वाउचर्स देख रहे हैं उनमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनसे प्रभावित होने वाले दोनों लेजर्स में से एक एक लेजर ही दिखाई पड़ रहा है। यदि आप प्रभावित होने वाले दोनों लेजर्स देखना चाहते हैं तो ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करें। ये देखिए दोनों लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब पुनः पहले की स्थिति में आने के लिए ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करें। यदि आप सभी वाउचर्स की रिपोर्ट को पूरी डिटेल्स के साथ देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में अनेक ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हम सबसे पहले शो नरेशंस को यस करके एंटर प्रेस कर रहे हैं, और इसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सभी ऑप्शंस को यस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम डिस्प्ले नेम फॉर लेजर्स पर आते हैं इनके सब ऑप्शंस दिखाई पड़ने लगते हैं। हम इन्हें ऐसा ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से सीखने और समझने के लिए पहले इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लें और फिर इन ऑप्शंस में से एक एक को यस या नो करके और जिन ऑप्शंस में सब ऑप्शंस हैं उनमें से भी एक एक को सिलेक्ट करके ट्राई करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ये ज्ञात होगा कि कौन से ऑप्शन का रिपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमें तारीख के क्रम में नरेशन के साथ सभी वाउचर्स की पूरी डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। यहाँ आपको एक बात बता दें, आप कहीं भी काम कर रहे हो और वहां से सबसे आखिरी में जाना चाहते हो तो एंड की प्रेस करें। ये देखिए हम इस रिपोर्ट के आखिर में आ गए हैं। इसी तरह शुरुआत में आना चाहते हैं तो होम की प्रेस करें। टैली में हम डे बुक तो देख ही रहे हैं, इसी के साथ हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग की जर्नल भी बता रहे हैं। इन दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग की जर्नल और टैली में कंप्यूटर अकाउंटिंग की डे बुक दोनों एक ही हैं। दोनों में सौदों की तिथिवार यानी डे बाय डे और दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार विवरण के साथ विधिवत डेबिट और क्रेडिट पक्ष में एंट्री की गई है। इस वीडियो में आपने डे बुक का दिन प्रतिदिन होने वाला उपयोग सीखा। इसके बाद वाली दो वीडियो में हम डे बुक में उपयोग होने वाले अन्य ऑप्शंस के बारे में बताएंगे।